बारिश के दिनों के बाद, बहुत दिनों बाद आज अच्छी सी धूप निकली है। छुट्टी का भी दिन है तो सब लोग निकले हुए होंगे, सब अलग अलग पार्क में। यहाँ का एक वो पैटर्न जैसा है कि जैसे आपको थोड़ा सुकून मिलता है, आप धूप से निकलते हो और पार्क में जाते हो, एंजॉय करते हो। तो मैं भी आज आया, इंटरस्टेट पार्क है पैलेस स्टेट नाम का, जो न्यू जर्सी की तरफ है, पोर्ट ली के पास। तो मैं आया हुआ हूँ, मेरे पीछे है जो वाशिंगटन ब्रिज जो आपको दिख रहा है, और पूरा यहाँ से मेरे बैकग्राउंड में आपको न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क का सराउंडिंग एरिया दिख रहा है, और ये तरफ दिख रहा है आपको माउंटेन के पीछे फोर्ट ले सिटी न्यू जर्सी का। वैसे देखा जाए तो एक बहुत हिस्टोरिक जगह है, 1893 में यहाँ पे क्वारी हुआ करती थी। तो ये मेरे पीछे माउंटेन जो है उसके सब स्टोन को क्रश करके, ब्लास्ट करके यहाँ से सब रेत बना के आगे सप्लाई करते थे। तो और ये नेचुरल जो कंजर्वेशन है उसको डिस्ट्रॉय करते थे। तो 1893 में एक लेडी ने वो देखा न्यूयॉर्क से, और उसको लगा कि ये बहुत बुरा हो रहा है, नेचुरल कंजर्वेशन को हमें बचाना चाहिए। तो वो यहाँ पे आए सेलिंग करके न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी में लोगों को मिले और लोगों के साथ एक मूवमेंट चालू किया, और अल्टीमेटली 1894 में यहाँ से क्वारी को हटाया गया, और दोनों स्टेट न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क ने एक डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक इंटरस्टेट पार्क बनेगा, उसका नाम पैलेस स्टेट पार्क रखा जाएगा। तो ये वही पार्क है, आज ये पार्क पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हो पार्किंग में भी सारी गाड़ियां लगी हुई है, और यहां पर भी लगी हुई है, लोग बहुत आए हुए हैं। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो पहाड़ जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको तोड़ के तो आप देख रहे होंगे कि ब्लास्टिंग की वजह से पूरा स्ट्रेट वर्टिकल हो गया है। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को जोड़ता हुआ एक ब्रिज जॉर्ज वाशिंगटन, जो एक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच का एक बड़ा सा नजारा है, वो ये पार्क से पूरा दिखता है। और ये पार्क के फोर्ट ली टाउन से ये शुरू होके ब्रॉन्क्स बोरो की तरफ जाता है, जो न्यूयॉर्क का वन ऑफ दी फाइव बोरो में से एक बोरो है। जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज 1923 में स्विस आर्किटेक्चर के द्वारा डिजाइन किया गया, और 1932 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया ब्रिज है। ये ब्रिज की खासियत यह है कि पूरा केबल स्टेड ब्रिज है, डबल हाइट ब्रिज है, डबल फ्लोर होता है, और दोनों के फ्लोर पे ऊपर से गाड़ियाँ जा सकती हैं, ट्रैवलिंग हो सकता है। यहाँ पे एक पिलर है और यहाँ पे एक पिलर है, बीच में पूरा ब्रिज हैंगिंग है। तो और उस आप देख सकते हो कि दोनों डबल लेयर ब्रिज, ऊपर से भी गाड़ियां जा रही है, बसें जा रही है, ट्रक्स जा रही है, नीचे से भी कार्स जा रही है। तो बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। और ये न्यू जर्सी वाला पिलर की तरह, ये न्यू जर्सी का पिलर है। ये पार्क का एक बड़ा सा एक फीचर ये भी है कि यहाँ से न्यूयॉर्क के दो मेन बोरोज दिखते हैं। न्यूयॉर्क वैसे पाँच बोरो के से बना हुआ है, मैनहट्टन और ब्रॉन्क्स जो दो बोरोज है वो यहाँ से पूरा दिखता है। तो ये देखिए, आप जूमिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूयॉर्क की मैनहट्टन की पूरी स्काईलाइन आपको दिखेगी यहाँ दूर से। और अभी आपको कैसा दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी यहाँ पे ये जो एरिया पे मेरा जूमिंग है वो सेंट्रल पार्क वाला एरिया है, और यहाँ पे ये ब्रॉन्क्स है। तो यहाँ पे ब्रॉन्क्स कॉलेज है, ब्रॉन्क्स कॉलोनीज है, टाउनशिप है। यहाँ के बहुत ही खूबसूरत बातें बताएं तो आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में और वो जो पर्वत है उसके ऊपर जितने भी ट्रीज लगे हैं वो सब अभी सूखे पड़े हुए हैं, जो विंटर में यहाँ पे स्नो गिरता है और बहुत
सब झाड़ सूख जाते हैं, एकता उसके ऊपर रहता नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए पूरा एक नज़दीक से व्यू, तो झाड़ पूरे सूखे हुए हैं, कहीं पे कोई एक पत्ता नहीं है, लेकिन आपको एक नज़दीक से लेके जाऊँ तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे अभी विंटर ख़त्म हो रहा है और स्प्रिंग आ रहा है। तो स्प्रिंग से लिए पूरे हफ्ते 10 दिन में ये पूरा सब पेड़ फूलों से भर जाएंगे, पत्तों से भर जाएंगे। तो मैं मेरा ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। गुड बाय।